बात करें सालों का आभार है मंच पर उपस्थित मेरे सभी शिक्षण वर्ग और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम विषय पर जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसमें की आधी आधी से ज्यादा प्रतिशत किसानी है। सभी लोग किसानी से ही यहाँ पे आए हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी, जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हुए तुम्हारा इतिहास बाकी है, बात को बरस जाना समय पे इस बार किसी का मकान के लिए तो किसी का लगान बाकी है। ये कहने के बाद आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से किसान क्या है? किसान क्या है? तो जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे हिसाब से किसान जो बंदर जमीन पे बैठा होगा, आसमान पर देखता होगा कि बारिश कब होगी, यही है, यही आता है, गरीब है, लाचार है, यही आता है। मुझे नहीं लगता, गूगल को भी यही लगता है। जब मैं आज पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ रही थी तो मुझे ऐसे ऐसे इमेजेस बता रहे थे जिससे पता चला कि गूगल को भी यही लगता है कि किसान हमारा लाचार ही है। तो मैं कहना चाहूंगी किसान लाचार नहीं, हम बस किसानों से इमोशनली जुड़े हैं, इकोनॉमिकली नहीं, क्योंकि हम बस देखते हैं कि पूजा करते हैं, धरती माँ की पूजा है, धरती देती है, पानी आता है, सब खाते पीते हैं, तो सब किसान रहते हैं, वो एक देवता है। लेकिन हम इकोनॉमिकली नहीं जुड़े हैं, हम कभी सोचते नहीं कि हम किस टाइप में उसका विकास कर सकते हैं। अभी जो भारत सरकार ने किसान जो बिल लाया है तो ऑब्वियसली किसानों के हक में ही है, हक में नहीं होते तो सरकार क्यों लाती, अपने फायदे के लिए इतने लोगों का नुकसान क्यों करती, कर तो रही है नुकसान भी इतने लोगों का क्यों करती। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो किसान बिल है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम सोचे तो, क्योंकि हमारे लिए किसान किसानी इतनी इम्पोर्टेंट है, उसी से हमारा विकास हो सकता है। इतिहास से लेकर अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसान किसान तो पहले ही है, बहुत सारे रिफॉर्म हो चुके हैं, किसान के बिल आ चुके हैं, फिर बहुत कुछ करते हैं, सरकार हर साल पैसा देते हैं, इतना तो सभी कर ही रहे हैं ना, बट हो तो नहीं रहा कुछ, कर कुछ के कर रहे हैं, जैसा है वैसे ही है, जैसे पहले थे वैसे अभी है। तो हम जो चाहते हैं कि जो बिल लाए हैं सरकार को इम्प्लीमेंट हो जाए, देख ले वो है क्या, कुछ गलत तो नहीं होगा, पहले भी जो गलत है वो तो गलत है, अभी भी जो है वो हो गए, कुछ देखते हैं कुछ नया करके देखते हैं। तो मैंने जितने भी अभी एग्जीबिटर देखी होंगे यहाँ पे आते हैं, खड़े होते हैं, पीछे बैठ के देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, अरे भाई आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता था, आप यहाँ पे कि बोल कैसे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जितने भी बात करना चाहिए बोले किसान बिल हमारे घर में है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले फिर तो सभी को बताएं कि क्या है किसान, तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, किसान कभी भी फसल बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, जैसे दक्षिण भारत का किसान उत्तर भारत में जाके, अब हमारे इधर चावल हो रहा है, कपास हो रहा है, जहाँ चावल नहीं हो रहा है, कपास नहीं हो रहा है, तो वहाँ जाके बेचिए, वहाँ पे ऑब्वियसली ना पैसे, उन चीज की चावल की कमी है तो वहाँ पे वो कीमतें बढ़ेगी ना, तो वहाँ पे जाके हम बेच सकते हैं, वहाँ से कुछ खरीद सकते हैं, सिर्फ यहाँ कितना महंगा सबको पता है, मेरी तबियत खराब थी मुझे पता है कितना महंगा है, सिर्फ 30 रुपए के 3 आलू तो कुछ छोटे वाले हैं तो बहुत ज्यादा महंगा है। तो अगर वहाँ की चीजें यहाँ पे आ रही है तो हम बेच रहे हैं, खा रहे हैं, तो महंगी है ना, उसी हिसाब से हम वहाँ पे जाएंगे बेचेंगे तो हमें उत्पादन के ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। दूसरा है सविता खुशी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी, अब किसान के पास हमारे इतना किसान है, हमारे पास 2 एकड़ खेती है, तो कंपनी वाले आएंगे, मुझे जब आएंगे हमें बोलेंगे कि इतने पैसे में हम आपका खरीद रहे हैं, एक साल के लिए जितना माल होगा उतना देंगे। तो कुछ लोग कहते हैं अगर माल अगर कीमतें बढ़ेगी तो, अरे भाई कीमतें कम भी तो हो सकती है, फायदा भी तो हो सकता है हमारा, किसान जरूरी होता है कि बढ़ेगी ही कीमतें, अगर कम होगी तो हमारा भी फायदा है। तो उसके पहले अगर कोई उद्देश्य हमारे पास आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको हमसे पैसा ही चाहिए, मतलब अच्छी माल की वो गारंटी देगा कि फिर वो देगा पैसा देगा हमें, हमें अच्छी किसानी करने के लिए, आपके पास पानी बदल जाते हैं, आपके पास पानी की कमी है चलो पंप लगवा देते हैं, बिजली की कमी है चलो बिजली लगवा देते हैं, इतनी सारी चीज़ें, उसको अच्छा ही माल चाहिए ना सर, वो थोड़ा ना बोलेगा कि हम बुरा माल चाहिए, उसके लोग पैसे दे जाएंगे, तो हम पैसे तो यूज ही कर सकते हैं। अगर हम टमाटर की खेती कर रहा है कोई तो उसको अच्छा टमाटर चाहिए, तो मुझे जो सोचेगा कि टमाटर की खेती टमाटर इतने सारे हैं चलो मैं टमाटर की फैक्ट्री लगवा देते हैं टोमेटो सॉस, उसके लिए वो जगह खरीदेगा, जगह वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें यूज करेगा, हमें ही काम मिलेगी, एक पैसा आ रहा है ना उससे हमारे लिए यूज हो रहा है, कोई इमारत बन रही है तो उसके लिए मजदूर लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, तो हमारे पास नहीं जा रहा है तो हमें भी उसका यूज हो रहा है। बाकी दूसरे लोगों को ऐसा कुछ सोचते हैं कि नहीं नुकसान होगा, अरे भाई पॉजिटिवली सोचो, हमें पॉजिटिव नहीं आगे बढ़ना है, अभी तो देख चुके हैं हो चुका विकास जितना हो रहा है उतना हो चुका, हमें पॉजिटिवली सोचना है। दूसरा फूड स्टोरेज, कंपनी करना चाहती है फूड स्टोरेज, तो उसके लिए बेवरेज बनाएगा, वो
गोदाम बनाएगा बड़े बड़े जगह देखेगा गोदाम के लिए अच्छा इनको है वो देखेगा तो ये सब बनाएगा तो उसमें हमारा ही फायदा दूसरों को नुकसान नहीं है। और वो जो बोल रहे थे अंबानी के बच्चे है तो मैं कहना चाहूँ कि अंबानी ही नहीं है अंबानी के मतलब कैम्ब्रिज में पढ़ते ऑक्सफोर्ड में पढ़ते सियासी की बात है सीखे हो।